Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गए हैं। इटली में G7 सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने बुधवार को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचा, विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। जो बाइडेन के साथ G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे सुलीवन ने एयरफोर्स वन पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, उनकी उपस्थिति की औपचारिक पुष्टि भारतीय पक्ष पर निर्भर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दोनों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा। सुलीवन ने संवाददाताओं से कहा कि जो बाइडेन जब पेरिस में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी लगातार तीसरी बार जीत के लिए फोन पर बधाई दी थी। एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी की संलिप्तता से संबंधित आरोपों पर एक सवाल का जवाब देते हुए सुलीवन ने कहा कि अमेरिका इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाना जारी रखेगा। हमने इस मुद्दे पर अपने विचार बता दिए हैं और ये अमेरिका और भारत के बीच वरिष्ठ स्तर सहित बातचीत का एक सतत विषय रहेगा। वहीं भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पद संभालने के बाद गुरुवार को अपने पहले विदेशी दौरे पर इटली पहुंच गए हैं। इटली ने 14 जून को G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे।